शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तनवीर खान ने प्रदेश सचिव उपेंद्र पाल, विधानसभा अध्यक्ष गोपाल सिंह अग्निहोत्री, जिला महासचिव रणजय सिंह यादव, ब्लॉक अध्यक्ष मोनू मिश्रा और समाजवादी पार्टी के अन्य पदाधिकारियों ने जनमानस की समस्या को लेकर एक मीटिंग की और 9 अगस्त को क्रांतिकारी दिवस पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट एक विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसमें शाहजहांपुर के सभी विधानसभा के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। आज ये मीटिंग पोया विधानसभा, हमारे विधानसभा अध्यक्ष पोया विधानसभा के गोपाल मिश्रा जी की आवास पर हुई है। यहाँ पर विधानसभा के प्रमुख कार्यकर्तागण, नेतागण, कार्यकर्तागण यहाँ मौजूद हैं। इसमें हमारे उपेंद्र पाल सिंह जी हैं, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव रविंद्र सिंह यादव जी हैं, सुरेश त्रिपाठी साहब हैं, गोपाल अंजनी, सरदार कांडे जी हैं, जगदीश कांडे, और यहाँ के नगर अध्यक्ष हैं अग्रवाल साहब, यहाँ पर सुरेश अग्रवाल साहब हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ब्लॉक बंडा के अध्यक्ष भी हैं सत्तार भाई, सारे लोग यहाँ हैं प्रकार से। हम लोगों का मकसद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से उनके निर्देश पर 9 अगस्त क्रांति दिवस के दिन एक विशाल धरना कलेक्ट्रेट में, ये प्रदेशीय आवाहन पर होने जा रहा है जो कलेक्ट्रेट शाहजहांपुर में होगा। और इस धरने की सफलता के लिए, कामयाबी के लिए, बड़े पैमाने पर ये धरना सफल हो, इसलिए हम सारी विधानसभा जनपद शाहजहांपुर की जितनी भी विधानसभाएं हैं, सारी विधानसभाओं में उन लोग अपने पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के करके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रणनीति बना रहे हैं। हम लोगों ने अभी कल ही पिलर विधानसभा, कटरा विधानसभा और गगरौल विधानसभा में भ्रमण किया, कार्यकर्ताओं, नेताओं से मुलाकात करी, पदाधिकारियों से मुलाकात करी, और उसके बाद आज जलालाबाद वाया नगर विधानसभा में हम लोग लगातार संपर्क कर रहे हैं, बैठके कर रहे हैं। तो इसलिए 9 अगस्त को जो कलेक्ट्रेट में धरना होगा, जनमानस की समस्याओं को लेकर, कि जब से भारतीय जनता पार्टी की यूपी में और केंद्र में सरकार बनी है, तब से सत्ता के नशे में चूर ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग माहौल को सिर्फ ख़राब करने का काम कर रहे हैं, और किसी भी समाज, किसी भी वर्ग के लोगों को कोई भी इंसाफ, न्याय नहीं मिल रहा है, अत्याचार की इंतहा हो चुकी है। तो इसीलिए हमारे किसान भाई हैं, व्यापारी भाई हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, हर समाज, हर वर्ग के लोग जो भी हैं, तभी कुछ नहीं करीब के सहारा लोगों के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर साथ है। आज तमाम कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, जनपद शाहजहांपुर से लेकर पूरे प्रदेश में देख रहे हैं, पूरा जंगल राज कायम हो चुका है, और फर्जी मुकदमों को लेकर, तमाम जन समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने ये फैसला किया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया है। तो उसी को लेकर हम लोग 9 अगस्त को ये विशाल धरना कलेक्ट्रेट में करेंगे, और ये धरना बहुत ही बड़ा धरना होगा, विशाल धरना होगा, जिससे ये आगाज़ है। और हम समाजवादी लोग हमेशा संघर्ष के आदि हैं, पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम लोग अपने जो भी कार्यकर्ता हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको इंसाफ दिलाने का काम करें।